एक मनुष्य का जीवन तभी सफल हो सकता है जब उसे अपने भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और वो उसे अपने अनुकूल बना सके। इसके लिए हमारी मदद ज्योतिष करता है। ज्योतिष में कुंडली के माध्यम से या जन्म तिथि से, हस्तरेखाओं के माध्यम से, शरीर के बनावट के अनुसार बहुत से तरीकों से आप अपने भविष्य की जानकारी पहले से ही पा सकते हैं। आपके जीवन में क्या कुछ घटित होने वाला है इसका अगर आपको पहले से ही पता हो तो आप परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना सकते हैं। बता दें, ज्योतिष में हस्तरेखाओं को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। कहा जाता है, हर किसी का नसीब उसके हाथों में ही होता है। इंसान की तकदीर उसके हाथों में ही होती है। हर कोई अपने भाग्य की रेखाएं ऊपर से लेकर आता है। बताएं तो हस्तरेखा शास्त्र व्यक्ति के जीवन के कई पहलुओं के बारे में भविष्यवाणी करता है। हस्तरेखा ज्योतिष के अनुसार हथेली में कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिनसे ये मालूम होता है कि किसी इंसान को सरकारी नौकरी मिलने की योग है या फिर नहीं। और आजकल जिसके पास सरकारी नौकरी है उसके लिए वो सुख किसी राजयोग से कम नहीं है। हथेली पर सूर्य और गुरु पर्वत के योग से हमें कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जैसे कि सूर्य पर्वत और सरकारी नौकरी। हथेली पर सूर्य पर्वत का बहुत महत्व होता है। सूर्य के प्रबल होने पर इंसान का मान सम्मान जीवन भर बढ़ता रहता है। हथेली पर सूर्य पर्वत सबसे छोटी उंगली के पास वाली उंगली के बीच होता है, रिंग फिंगर के नीचे। अगर सूर्य पर्वत उभरा हुआ होता है तो सूर्य पर्वत से सीधी रेखा निकलती हो तो ऐसे में लोगों को सरकारी नौकरी मिलने की संभावना ज्यादा रहती है। गुरु पर्वत और सरकारी नौकरी का क्या संबंध है ये भी हम आपको समझाते हैं। हथेली पर गुरु पर्वत इंडेक्स फिंगर के नीचे होता है। गुरु पर्वत का उभार शुभ माना जाता है। साथ ही इस पर सीधी रेखा होने से ऐसे लोगों को भी सरकारी नौकरी मिलने की काफी हद तक संभावना रहती है। गुरु पर्वत और भाग्य रेखा का संबंध क्या है वो भी समझाते हैं। अगर जिनकी हथेली में भाग्य रेखा से कोई लकीर निकलकर गुरु पर्वत की ओर जाती है तो वो इंसान बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होता है। ऐसा व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी बनता है। सूर्य पर्वत और भाग्य रेखा के क्या शुभ संकेत हैं वो भी हम आपको बताते हैं। भाग्य रेखा से निकलकर कोई लकीर सीधे सूर्य पर्वत पर जाकर मिलती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। ऐसे लोग हमेशा सरकारी सेवा से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आरती की रिपोर्ट।